मैं 14 वर्ष की उम्र से पे आया था, कोई मैंने खाने 3000 में गैस पड़ी हूँ, मैं ऐसा मारा है मुझे, मैंने इसे सबसे आज तक नहीं, क्यों मैं सोचता ये पूरी के सर से बदल जाएगा, पहले मरता पढ़ लो, 23 साल पर है सबको हैरत, तुझे भी इस पे हैरत है, नहीं तो वो दरवेशी जो तचकर आ गया तू, वो दरवेशी जो तचकर आ गया तू, ये दौलत उसकी कीमत है नहीं तो जमानदार शाहजी जानते हैं कि शहर के 300 जमानदार शायद थे। एक जमाने में जब हम जवान थे और झोन एलिया बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे थे अब हैं, तो हम रिसालों में उनकी गजलें ये समझकर बड़े शौक और बेताबी से पढ़ते थे कि ये किसी आवारा एंग्लो इंडियन लड़की का कलाम है। उनसे पूछा कि आप मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं, तो उसका जवाब देते हैं, महबूबा अगर सामने से आ रही होती तो मैं उसकी तरफ से मुंह फेर लेता। इसका मतलब ये था कि ऐ लड़की मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। उन्होंने गर्दन खोल कर और दाएं हाथ से बाएं हाथ ढककर बताया कि वो मुंह फेर कर इस तरह शदीद मोहब्बत का इजहार करते हैं। आदि इसे नोट कर लें। दौरान इर्तका मैंने जॉन एलिया से उनके नाम के मानी पूछे, वो समझे हम तंज कर रहे हैं, कहने लगे आपको इब्रानी आती है, हमने जवाब दिया नहीं। फिर पूछा अरबी आती है, हमने सर झुका के कहा नहीं, बोले मुझे दोनों आती हैं, ये इब्रानी और अरबी नाम है। इस नॉकआउट सर्व के बाद हमें कुछ होश आया तो हमने शरारतन पूछा कि चार्ल्स लैम ने अपने एसेज का नाम एसेज ऑफ एलिया रखा था, क्या आपको इससे भी कुछ नस्बत है? अपनी जहीन कुमार आलम नाकों से मुस्कुरा चुके तो फरमाया, इसे खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। हम न क्यों लाजिम है कि अब तेरी सूरत और करने से याद आती है, कौन इस घर की देखभाल करे, कौन इस घर की देखभाल करे, रोज इसकी छूट जाती है। यारो कुछ तो हाल सुनाओ उसकी कयामत बापू का, यारो कुछ तो हाल सुनाओ उसकी कयामत बापू का, वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे। क्यों न चेहरों पे अब वो रंग खेले, दिल में जिनका निशान भी न रहा, क्यों न चेहरों पे अब वो रंग खेले, अब तो खाली है रूह जज्बों से, अब तो खाली है रूह जज्बों से, अब भी क्या हम कपास से न मिले। शर्म दहशत झिझक परेशानी नाज से काम तू नहीं लेती, आप वो जी मेरा ये सब क्या है, तो मेरा नाम तो नहीं है मेरी आरज़ू के मेरे सिवा तुम्हें सब शायरों से वहशत हो। ख्याल की तेरे खूब गुजरी, तेरे ख्याल के साथ मैंने एक जिंदगी बसर कर दी, मैंने एक जिंदगी बसर कर दी, तेरे नादीदा खद्दो खाल के साथ। तू है पहलू में फिर तेरी खुशबू, होके बासी कहाँ से आती है, रूह प्यासी कहाँ से आती है, ये उदासी कहाँ से आती है, हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई, शौक में कुछ नहीं गया शौक की जिंदगी, तेरा फिराक जाने जा ऐश था क्या मेरे लिए, यानी तेरे फिराक में खूब शराब पी, उसकी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर, उसकी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर, एक गली की बात थी और गली गली अगर पढ़ने लगो तो
हेलो, आज इस कॉन्फ्रेंस का पहला दिन था। दो महीने से मेरे साथी, मेरी गवर्नमेंट बॉडी इसमें काम कर रही थी। बहुत बड़े बड़े हम इवेंट करते हैं, लेकिन जिस तरह आपकी जज्बाती वाबस्तगी इस मुल्क से, इस सूबे से, एक बात मैं और करना चाहता हूँ। उर्दू का इज्तमा है, लेकिन इस मुल्क के मैं जो मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग हैं, पंजाबी, सराइकी, बलोची, हिंद को बराबी, सभी, लेकिन सिंध की धरती ने जितना सीना कुशादा करके पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अपनी बाहों में समेटा है, मैं समझता हूँ हमें ये याद रखना चाहिए। मैं आप जहाँ से आए, बिला रंग नस्ल व मज़हब, बगैर किसी बहन दी सिरी के, बगैर किसी बेहूदगी के, इसने आपको अपनी बाहों में समेटा। पाकिस्तान, सिंध और कराची, उर्दू और पाकिस्तान में बाकी तमाम कौमियतों की बोले जाने वाली जबानें, इनका हमेशा से रिश्ता रहा, सैकड़ों साल से। सिंधी का उर्दू से सिंध का ताल्लुक कम से कम 300 साल पुराना है। 1947 में उर्दू स्पीकिंग लोगों के आने के बाद शुरू नहीं हुआ। आप जानते हैं कि सचल ने उर्दू में शायरी शुरू की। आप जानते हैं कि बाबा फरीद ने 650-700 बरस पहले इस धरती में, क्योंकि मुल्तान सिंध का दारुल खिलाफा होता था, ये सराइकी और सिंध ये एक इलाका था, तो उनका शेर है कि रोटी मेरी काट दी, तलावन मेरी भुख, जिसने खा दी चौपड़ी वही सह गया दुख। तो आजकल जिसने चौपड़ी खाई है, कुछ ना कुछ दुख भी उसको बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो ये जो जबान के नाम पर, मजहब के नाम पर, जो एक फिरके के नाम पे, जो एक तकसीम है इस शहर का, इस दानिशवरों का, यहाँ इस हॉल का, और इसमें बाहर बैठे हुए हजार लोगों का यहाँ मौजूद होना, और एक दूसरे की जबानों का इज्जत और एहतराम करना, और उर्दू को कुशादा दिली से कबूल करना, इस शहर की, इस जबान की, पाकिस्तान की जबानों की वुसअत नजरी की दलील है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।